Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. And this particular video is very important if you are preparing for UGC NET June 2022. So we recently Atal Rankings of Innovations on Innovations Achievement ki rankings issue kar di gayi hai for the year 2021. So this ranking has been introduced in the later part, that is at the end of the December 2021. So this ranking is going to be very very important for your June 2022 attempt. So जैसे कि आप सबको ही पता है कि paper 1 के UGC NET के exam के अंदर higher education topics से हमारे rankings पे काफ़ी सारे questions आते हैं, चाहे वो NIRF ranking से हो, QS ranking से हो, World University ranking से हो and so on. So this particular ranking is going to be important. It's not going to be a very lengthy video, बहुत लंबी video नहीं होने वाली है, but मैं आपसे यही request करूँगा कि please आप इसको end तक ज़रूर देखें because this is very important for your upcoming exam. So, सबसे पहले इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब टू द चैनल. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद आर यूजीसी नेट कोर्स, चाहे वो पेपर वन का हो, पेपर टू कॉमर्स का हो या फिर मैनेजमेंट का हो. तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो यू विल कीप गेटिंग नोटिफिकेशंस जब भी हमारे लाइव सेशंस कंडक्ट होंगे. ऑल्सो स्टूडेंट्स के दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, तो आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है इस पर्टिकुलर वीडियो के. वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं, चाहे वो यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर कोर्स से रिलेटेड हो, यू कैन पोस्ट देम देयर एंड आई विल बी सॉल्विंग इट माईसेल्फ. आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ब्रीफली समझ लेते हैं दैट व्हाट इज अटल इनोवेशंस रैंकिंग. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक टाइप का पॉलिसी इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ AICTE, विच इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. क्योंकि यहाँ पे मेजरली टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे फोकस है, इनोवेशन स्टार्टअप पे फोकस है, इसलिए उन्होंने AICTE की मदद ली थी, इन कोलैबोरेशन में किया था ताकि वो इनकी रैंकिंग्स रिलीज कर सकें. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट. तो आपसे इंस्टीट्यूट पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पैरामीटर? द मेजर पैरामीटर इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. तो जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, अब मैं आपको बता दूं टेक्निकल इंस्टीट्यूट जब मैं बोल रहा हूं तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, IITs एंड NITs वाले इंस्टीट्यूट जहां पे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कोर्सेज होते हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड के कोर्सेज होते हैं. जब हम नॉन टेक्निकल के बारे में बात करते हैं तो वी आर मेजरली टॉकिंग अबाउट द सोशल साइंसेज कोर्सेज, जहां पे बेसिकली आपके आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट आ जाते हैं. ठीक है, तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी बिटवीन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट. ठीक है, अब जो सबसे पहली बार ये जो रैंकिंग रिलीज हुई थी वो हुई थी 2019 में. दैट मीन्स दिस इज बेसिकली द थर्ड एडिशन ऑफ अटल इनोवेशन रैंकिंग. और इस पर्टिकुलर ईयर में क्या खास बात है कि अब इस साल इन्होंने नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को भी कवरेज देने की कोशिश करी है बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल फ्रेमवर्क. ठीक है, तो मेजरली जो इंक्लिनेशन है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे था, बट नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स नॉन टेक्निकल इनोवेशंस आल्सो, नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आल्सो, बिकॉज अब जो आर्ट्स के कॉलेजेस हैं, जो ह्यूमैनिटीज के कॉलेजेस हैं, वहां भी काफी ज्यादा पुश दिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स. ठीक है, तो आई होप यू गॉट द ब्रॉड आइडिया. अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एक्रोनिम क्रिएट किया विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. अदरवाइज स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर याद ही नहीं रख पाते हैं हम कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ब्रॉडली जो पैरामीटर्स हैं उसको क्लासिफाई कर दिया है विद अ टर्म दैट इज पैट्रियास. पैट्रियास का मेजरली मतलब होता है होमलैंड, कहाँ से आप ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, ये इसकी मीनिंग है, ताकि आपको याद भी रहे. और पैट्रियास एक्रोनिम से आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग दी गई है. तो सबसे पहले पी वर्ड से मैं याद रखना चाहूँगा प्री इंक्यूबेशन, या फिर जहाँ पे कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं. अब इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे प्रॉपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, गाइडेंस और हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ताकि अगर उस कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हैं हु वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, जिनके पास आइडियाज हैं, जो हेल्प चाहते हैं, चाहे वो पिच तैयार करना, अगर किसी इन्वेस्टर्स को वो पिच करना चाहते हैं अपने आइडिया को, या फिर एक ब्रॉड स्ट्रक्चर क्रिएट करना अपने स्टार्टअप आइडिया का, तो वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तो मैंने वहाँ खुद भी देखा है कि हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ बाहर से भी एक्सपर्ट्स आते हैं और प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है टू द स्टूडेंट्स फॉर जनरेटिंग एंड इमर्जिंग स्टार्टअप्स. ठीक है, सेकेंड है एक्टिविटीज़. वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स कराते हैं, बिजनेस क्विजेस कराते हैं इन ऑर्डर टू प्रोमोट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन आइडियाज. तो ये सारे के सारे वही पैरामीटर्स होंगे जो किसी ना किसी तरीके से लाइट थ्रो करेंगे दैट वेदर द इंस्टीट्यूट इज मेकिंग एन एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स और नॉट. ठीक है,
थर्ड एलिमेंट है टेक्नोलॉजी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शियलाइजेशन एफर्ट्स। मतलब क्या आप ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में कामयाब हुए, जैसे आप कई बार सुनते रहते होंगे कि आईटी कानपुर में, आईटी दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस हुए जो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट्स आते हैं, कॉर्पोरेट्स आते हैं और इन टेक्नोलॉजी को परचेज कर लेते हैं इन रिगार्ड टू पेमेंट, पेमेंट कर देते हैं और इन टेक्नोलॉजी को परचेज कर लेते हैं, उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वेदर दैट इज हैपनिंग, बिकॉज काफी सारे आईआईटीज में ऐसा होता है, ठीक है। आर रिप्रेजेंट्स योर रिसर्च आउटपुट्स, ठीक है, पब्लिकेशंस कैसी हैं, अगर उसमें आपने आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लिए, पेटेंट्स ले लिए, फॉर एग्जांपल आईआईटीज में बहुत ज्यादा होता है कि आपने कुछ डिजाइन करी उसका पेटेंट करा लिया, सो इफ दैट इज हैपनिंग तो उसको वेटेज दिया जाएगा। आई रिप्रेजेंट्स योर इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, क्या आप किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट के साथ, किसी इंस्टीट्यूट्स के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करते हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट इनोवेशन। लेट्स से आईआईटी दिल्ली ने कोलैबोरेट कर लिया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ, या फिर लेट्स से उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया किसी और इंस्टीट्यूट के साथ जो टेक्निकली साउंड है ज़्यादा, ठीक है, इसमें साइंटिस्ट वाले इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं, इसरो भी आ सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन करी इन ऑर्डर टू फॉस्टर और प्रमोट इनोवेशन। ए रिप्रेजेंट एकेडमिक कोर्सेज, क्या आप एकेडमिक कोर्सेज प्रमोट करते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए काम आता है, फॉर एग्जांपल दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एक एमबीए रन होता है विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन टूवर्ड्स स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख भी सकते हैं। सो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एमबीए के ऐसे कोर्सेज लेके आ रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज ऐसे लेके आ रहे हैं जहाँ पे स्टार्टअप रिलेटेड एस्पेक्ट सिखाए जाते हैं। एंड लास्ट इज एस रिप्रेजेंटेड बाय सक्सेसफुल इनोवेशन स्टार्टअप इमर्ज, आपका इंस्टीट्यूट ऐसा है क्या जहां से लोग निकल रहे हैं और स्टार्टअप फाउंडर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी वेटेज दिया जाएगा। तो ये ब्रॉडली आपके 7 पैरामीटर्स हैं, इसके सिवाय 2 और छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं। वन इज योर एक्सपेंस एंड इनकम, कि आपने कितना पैसा खर्च किया है इन एक्टिविटीज के ऊपर, उसको भी देखा जाता है कुछ, अगर उसमें रेवेन्यू अर्न किया हुआ है उसको, ये एक और पैरामीटर आप कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा पैरामीटर है इनिशिएटिव्स अडॉप्शन, मतलब जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनिशिएटिव्स लिए हैं विद रिगार्ड टू प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या आपने उसको अडैप्ट किया है एज एन इंस्टीट्यूट और नॉट, तो उसको भी वेटेज दिया जाएगा, बिकॉज दैट इज एक्चुअली टेलिंग यू कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ ब्रॉड पैरामीटर्स, आई होप आपको पैट्रिया से याद रहेगा। अब जल्दी से चलते हैं, मैं आपको बता दूं कि 7 कैटेगरीज में रैंकिंग्स क्रिएट करी गई हैं, इसमें से 5 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के बेसिस पे हैं, टेक्निकल एरिया में हैं, और 2 जो हैं वो नॉन टेक्निकल हैं। तो आपको सारी की सारी रैंकिंग नहीं याद रखनी है, बट आपको हर कैटेगरी के एटलीस्ट टॉप 2 तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो पहली कैटेगरी देख लेते हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर CFTI, जो कि होती हैं सेंट्रली फंडेड टेक्निकली इंस्टीट्यूट्स, मतलब जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, उन इंस्टीट्यूट्स को कंसिडर किया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आपको पता है कुछ इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में डाला गया है, तो उन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे रजिस्टर किया होगा और उन इंस्टीट्यूशंस के बीच में कंपटीशन हुआ होगा, उनका इवैल्यूएशन किया गया होगा, और उसके बेसिस पे टेक्निकल कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल कैटेगरी फर्स्ट, उस कैटेगरी के अंदर हमने टॉप रैंक्स यहाँ पे डिस्प्ले करी हैं, जिसमें जो टॉप 2 रैंक्स हैं वो IIT मद्रास और IIT बॉम्बे को जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपको वैसे भी पता है IIT मद्रास इज टेकिंग अ लॉट ऑफ रैंकिंग्स इन टर्म्स ऑफ NIRF रैंकिंग ऑल्सो, ठीक है। तो टॉप 2 याद करनी है, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे इसका जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सेकंड, अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज और डीम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, विच इज अगेन गोइंग टू बी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड, अगेन इन द टेक्निकल कैटेगरी, मैंने आपको बताया 5 कैटेगरीज जो है वो टेक्निकल की है, 2 नॉन टेक्निकल की है। तो यहाँ जो फर्स्ट रैंकिंग है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को मिली है, एंड द सेकंड रैंकिंग इज टेकिंग अप बाय माई इंस्टीट्यूट वेयर आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, वेरी प्राउडली टेलिंग यू दैट, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो ये दो रैंकिंग्स, ये दो कॉलेजेस हैं जिनको टॉप 2 रैंकिंग्स मिली है इन द सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी के बारे में बात करें, अब देखिए पहले हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे, आई होप नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। यूनिवर्सिटी जहां मास्टर लेवल कोर्सेज भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होते हैं और कोर्सेज भी होते हैं और रिसर्च कोर्सेज भी होते हैं। कॉलेज इंस्टीट्यूट जहां मेजरली जहां पे ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, उनको हम बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर उस कैटेगरी में देखा जाए टेक्निकल कैटेगरी के अंदर, तो अगेन द रैंकिंग इज टेकिंग इट बाय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट। सेकंड PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, ठीक है। तो ये हमारी टॉप 2 रैंकिंग्स है, 5 रैंकिंग है। फर्स्ट एंड सेकंड याद कर लीजिए, फर्स्ट सबसे ज्यादा याद करने की जरूरत है, बट फर्स्ट एंड सेकंड याद करके रखेंगे तो आप रिस्क फ्री रहेंगे, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी देखते हैं, यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज को कंसिडर किया जाएगा, बट ये गवर्नमेंट नहीं है, अब ये सेल्फ फाइनेंस एंड प्राइवेट बन जाती हैं। कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टार्टअप और इनोवेशन को फॉस्टर कर रही हैं या फिर प्रमोट कर रही हैं।
इसमें सबसे पहला नाम आता है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, खोडा, उड़ीसा में है, जो कि दिस इट हैज ऑक्यूपाइड द फर्स्ट रैंक। सेकेंड इज चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, इसके बारे में आप लगातार एडवर्टीजमेंट देखते रहते होंगे। तो ये वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम यूनिवर्सिटीज हैं जो इनोवेशन और स्टार्टअप को प्रमोट कर रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फिफ्थ कैटेगरी में देखते हैं प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट इन द टेक्निकल कैटेगरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज और इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें जो कि सेल्फ फाइनेंस और या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उन कैटेगरीज में किसने टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करी है, इट इज जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र में है जो कि, और सेकंड रैंकिंग टेकिंग अप बाय आरएमके इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये हमारी टॉप टू रैंक्स हैं, टॉप टू इंस्टीट्यूट्स हैं इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, आई होप आपको याद रहेगा। अब चलते हैं नॉन टेक्निकल में, तो अभी जो पहले हमने पांच डिस्कस किए वो टेक्निकल कैटेगरीज थी, नाउ अगर हम नॉन टेक्निकल देखें मतलब सोशल साइंसेज के बारे में बात करें, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें, तो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इसमें कैटेगरी में किस किस को इंक्लूड किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको फंड करती हो। तो इसमें बहुत सरप्राइजिंगली आप देखेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक मिला है, प्रॉब्ली बिकॉज इसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा फॉस्टर कर रहे हैं ये इनोवेशन स्टार्टअप। और सेकेंड रैंकिंग मिली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड को। यहाँ पे दो रैंक आने का ये भी रीज़न हो सकता है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स ने पार्टिसिपेशन ना करी। ठीक है, लास्ट कैटेगरी पे चलते हैं, दैट इज़ अ वेरी जनरल काइंड ऑफ अ नॉन टेक्निकल कैटेगरी जो इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट ने टॉप रैंक ली है, इट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तो नाम ही में लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप्स है, तो ये गुजरात में है, इट हैज़ ऑक्यूपाइड द फर्स्ट प्लेस। एंड सेकेंड रैंकिंग टेकन अप बाय श्री नारायण कॉलेज विच इज इन केरला। ठीक है, तो ये दो कॉलेज हैं जिन्होंने जनरल नॉन टेक्निकल में टॉप फाइव रैंक्स अचीव करे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, बहुत ही छोटा सा सेशन था, बहुत ही छोटा सा वीडियो था, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में भी ये ऐड कर दिया गया है एंड आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, पैरामीटर्स को प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा और हर कैटेगरी के एटलीस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है आपकी, तो यू कैन पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। Till then, keep practicing, keep working hard, take care and bye-bye.